हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो शानू के शादी के कार्ड्स बनकर आ गए हैं, जो कि ये है, और कुछ मैं बना कर रख रही हूँ वो ये है। उसके हैम्पर्स भी आ गए, इसमें चॉकलेट्स हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं अंदर। आई शो यू, ये ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें। और जैसे कि आपने मेरी शादी का, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते, पता होगा आपको कि मुझे बहुत शौक है कि मैं थोड़ा पर्सनल टच दूँ। तो हमने डिसाइड किया कि इसमें हैम्पर बनकर आ जाओ, फिर मैं इनको अपने हाथ से डालूँ ताकि हम सब कार्ड चेक कर सकें। एंड कार्ड दिखते कैसे हैं मैं इसको आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी, होपफुली आज के ब्लॉग में ही या फिर आगे कोई ब्लॉग में, बिकॉज फिलहाल मैं इन्हें बना रही हूँ। और हमने डिसाइड किया था कि इस बार हम लोग जो ये हार्ड कॉपी कार्ड्स हैं ये सिर्फ लोकल में देंगे, एंड बाहर सबको सिर्फ PDF कार्ड जाएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत सारे पेपर्स वेस्ट होते हैं। देन वाई नॉट यूज समथिंग विच इज़ यूज़फुल और ईजी हो जाए। तो हमने सोचा क्यों ना PDF कार्ड बनवाया। तो हमने PDF कार्ड बनवाया शानू की शादी का, पूरा डिटेल में, विद शानू की पिक्चर एंड भाभी की पिक्चर ऑन इट। एंड ये जो कार्ड्स हैं ये सिर्फ लोकल के लिए हैं। जब मैं लोकल में देने जाऊँगी, आप व्लॉग में देखेंगे, तो आपको ये कार्ड भी दिखाऊँगी। फिलहाल मैं तैयारियों में लगी हुई हूँ और इन कार्ड्स के अंदर रख रही हूँ इन हैम्पर्स को। मम्मा को कल निकलना है बांदा, और हमारे यहाँ नॉर्थ इंडियंस में एक रूल होता है कि पहले कार चढ़ाते हैं भगवान को। तो हमने सिद्धि विनायक में चढ़ाया था, मुंबा देवी में चढ़ाया, अब हम कुलदेवता को चढ़ाने जा रहे हैं पन्ना, मतलब मम्मा पापा जा रहे हैं, हम नहीं। और उसके बाद मामा को कार्ड देना पड़ता है, एंड देन ओनली कैन डिस्ट्रीब्यूट द कार्ड। सो जब तक मम्मी लोग बांदा जाएंगी, ये कार्ड देंगी, फिर मुझे वहाँ से फ़ोन आएगा कि प्रिंस तुम कार्ड दे सकती हो, तब मैं कार्ड देने जाऊँगी। तो फिलहाल लास्ट मिनट जो चीज़ें होती हैं बस वही चल रही हैं। कार्ड थोड़े डिले हो गए इस बार, बिकॉज शानू का और पापा का बहुत सीज़न का काम चल रहा है, सो थोड़ा डिफिकल्ट था उनके लिए मैनेज कर पाना। सो आई होप आपने वो वाला वीडियो देखा है जहाँ पर मैं कार्ड के काम के लिए गई थी। तो बस इन कार्ड्स को फिल कर रही हूँ, एंड थैंकफुली अबीरू सो रहे हैं, वरना अबीरू होता है तो सब कुछ उठा के फेंकता है, मज़ा बहुत आता है बट डिफिकल्ट होता है। सो बस इन सब की तैयारी चल रही है, कार्ड दिखाऊंगी बाद में, और शानू की शादी के ब्रोचेस भी आ गए हैं अभी। सो बस ये सब कर दूँ एंड देन मम्मा कल चली जाएंगी। आज हो गई है व्हाट, 4th, 4 तारीख है आज, बस 10-12 दिन बचे निकलने में। वेरी एक्साइटेड बट नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, मतलब बचपन से ना ऐसे होता है ना कि इम्पॉर्टेंट डेज पता होते हैं, उसमें से मेरे भाई की शादी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज इन माई लाइफ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, अब फटाफट कर लेती हूँ पर्सनली सब कार्ड को चेक करें ताकि सबके पास सब कार्ड पहुँचे तो सब लोग ठीक से देख पाएँ, सब कुछ प्रॉपर हो। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बट एनी विच वेज अब मैं जा रही हूँ, इन्हें पैक करती हूँ, एंड अब ब्लॉग आगे देखते रहिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच मेरे लास्ट ब्लॉग को इतना प्यार देने के लिए, रियली थैंक यू। सो कीप वॉचिंग। आज है शानू का शूट, शूट एक्चुअली में क्या है ये आप आगे ब्लॉग में देख पाएंगे, लेकिन एज़ यूजुअल घर की मुर्गी दाल बराबर शानू ने मुझे नहीं बताया पहले से कि मैं भी इस शूट का हिस्सा हूँ। उसने मुझे जस्ट एक रात पहले अराउंड 11:30 बताया कि मैं सुबह शूट पे चलने वाली हूँ, तो आई वॉज़ नॉट प्रिपेयर्ड। मैंने अपना मेकअप गाड़ी में ही किया, सिर्फ बाल स्ट्रेट करके निकल आए थे हम लोग, बिकॉज एज यूजुअल शानू लेट था। पिंटो तो मैं आधा रेडी तो कार में हो गई थी, और हाफ रेडी यहाँ पर हो गई, सब लाइनर रह गया था एक्चुअली, बहुत भूख लगी है तो मैंने खाना ऑर्डर किया है। तब तक शूट शुरू हो चुका है, और आप
तो ये थोड़ा हो जाए एंड देन कुछ खाने बैठेंगे बिकॉज लेट हो गया हम लोगों को और बहुत सारे सैम्पल्स हैं. ये क्या वेंचर है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, लेकिन फिलहाल ही शूट हो जाए बिकॉज यहाँ ज़्यादा बात नहीं कर सकते. एंड देन आई लेट यू नो कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं आज. Yum. हमारी जो बेबी मॉडल थी उसके बाल अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए भाभी यहाँ पर उसके सागर चोटी बना रही हैं. सो हम लोगों को आकर हो गए ऑलमोस्ट 6-7 घंटे एंड यू आर स्टिल वर्किंग. करने में बहुत अच्छा लगता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत थक जाते हैं. सो बस मज़ा आता है. ओके दीदी, व्लॉग में जाएगा. कुछ नहीं मिलता है ना, कहीं भी आउट ऑफ नेटवर्क नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है. सो जो लोग एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, मेरे पापा और मेरे भैया ने मिलकर उनका खुद का ब्रांड लॉन्च किया है इस साल. नाम है रेन मार एंड विक्ट्री और हम रेन कोट्स बनाते हैं. तो उनमें से एक मैंने पहन रखा है अभी. और अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने रेन कोट्स को रिप्लेस कीजिए इस बार और अपने सिटी में जाकर मांगिए सिर्फ विक्ट्री एंड रेन मार एंड सपोर्ट कीजिए हमारे नए बिजनेस को, हमारे स्मॉल वेंचर को जो हमने अभी शुरू किया है. ब्रेक चल रहा है, हम रुके हुए हैं खाने के लिए. एंड सी द फ्रेंड्स
और इतनी ऑप्शंस मिलेंगे ना कि आप खुद बोलोगे यार कि क्या कलर सा क्या ऑप्शन है। मेरे पापा हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, सो वो उन्हें बहुत नॉलेज था और उन्होंने पहली बार अपना खुद का ब्रांड शुरू किया है। सो सपोर्ट कीजिए हमारे बिजनेस को और जाइए और जाकर खरीदिए रे मार्क एंड विक्ट्री। नाम याद रखिएगा, इस बार रेनी सीजन में सिर्फ एक ही ब्रांड पहनना है। क्या नाम है? रे मार्क एंड विक्ट्री। तुम्हारे शूट के लिए लगाना पड़ेगा तो वैसे कहते पल्लू नहीं रखना है मुझे, अभी शक्ल नहीं दिखाना। हो गया है शूट खत्म। आपको पहनना है रेन मार्क एंड विक्ट्री शानो, है ना, कपड़े के ऊपर। 11:30 बज रहे हैं, बहुत भूख लगी है, बस हम लोग घर पहुंच गए एंड होपफुली अभी रुक जाकर आओ। गोली वाली जिंदगी बैक देख कर तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे वाले ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ मैं शानू की शादी का कार्ड और मैं जाने वाली हूँ कार्ड देने, तो प्लीज नेक्स्ट ब्लॉग देखना जरूर याद से। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव।